हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वैन डर वाल्स इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन, और हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द गैस इज आइडियल गैस और रियल गैस। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, किस कंडीशन में हम गैस को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसी के बेस पर हम उसको बोलते हैं कि वो रियल गैस है या आइडियल गैस है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैन डर वाल्स इक्वेशन हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था दो कॉन्स्टेंट आते हैं इसमें, ए और बी। तो देखो, रियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल्स इक्वेशन इज पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो पी प्लस प्रेशर में कुछ टर्म जो है एड है, तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन टर्म, और v माइनस एन बी है, यहाँ से वॉल्यूम में से कुछ चीज माइनस है, इट मीन्स दिस इज वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो यहाँ पर इसको हमने डेल्टा p बोला था, यहाँ पर डेल्टा v बोला था, तो उसको ये क्या हमारे पास n मोल ऑफ गैस है उसके लिए है। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस हो उस केस में n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी p प्लस a बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ए एंड बी आर दीज आर वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट। अब ये जो वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट है उनका सिग्निफिकेंस क्या, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट ए, इट्स वैल्यू इज ए मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये जो वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट ए है, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकंड कॉन्स्टेंट बी क्या है, इट्स वैल्यू इज ए मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव साइज क्या है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो बी है इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम होता है उसका 4 टाइम्स होती है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। देखो, आपने जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, उसके बाद हमने आइडियल गैस के पॉइंट्स को पढ़ा रियल गैस के साथ कंपैरिजन करते हुए, तो हमने दो पॉइंट को मेनली लिया था कि एक तो आइडियल गैस ये कहती है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, और दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। उन्हीं चीज को ये दो वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट जो है वो लेकर के चलते हैं कि वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट ए जो है दिस इज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड यूनिट्स ऑफ वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसको डेल्टा पी यानी कि प्रेशर करेक्शन टर्म बोला है, और इसको हम सिंपली स्मॉल पी से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी और पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, पी वी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमोस्फियर, वॉल्यूम लीटर में होता है तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ मोल्स तो ये मोल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा क्या होगा, एटमोस्फियर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट ए। सेकेंड है यूनिट ऑफ बी, बी हमने क्या लिया, यहाँ पर देखो वी जो डेल्टा वी है प्लस ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, यहाँ पर वी को स्मॉल वी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू एन बी, और वॉल्यूम जो होता है यहाँ से बी किसके बराबर है, वी बाई एन, वॉल्यूम लीटर में होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो यूनिट ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास, लीटर पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वेयर स्पीड। पहले रूट मीन स्क्वेयर स्पीड क्या होता है, रूट मीन स्क्वेयर स्पीड मे बी डिफाइंड एज द स्क्वेयर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। यहां देखिए मीन क्या होता है, मीन किसी भी वैल्यू या कोई भी सब्सटेंस है या नंबर ऑफ डिजिट्स है उनका मीन क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे यहां पर जो है मीन्स ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास n1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड v1 है,
एन टू मॉलिक्यूल्स की स्पीड वी टू है, एन थ्री मॉलिक्यूल्स की स्पीड वी थ्री है, एंड सो ऑन एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, देन जो एन वन वी वन स्केयर प्लस एन टू वी टू स्केयर प्लस एन थ्री वी थ्री स्केयर प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सो ऑन। तो ये जो है स्क्वेयर रूट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज, ये अंदर की क्वांटिटी जो है दिस इज द मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ स्पीड्स, उसके बाद इसका रूट कर दिया तो ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डिफरेंट स्पीड्स, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। और जब जिस टाइम पर एन वन मॉलिक्यूल्स में स्पीड वी वन है, एन टू में स्पीड वी टू है, एन थ्री में स्पीड वी थ्री है, तो उसी टेम्परेचर पर पार्टिकुलर गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ई के से रिप्रेजेंट करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर जो सी है यहाँ पर हम कौन सी लेंगे, हम यहाँ पर मीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ई के इज इक्वल टू वन बाय टू एम सी स्क्वायर लिख दिया है। और काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने क्या पढ़ा हुआ, पी वी इज इक्वल टू वन बाय थ्री एम एन सी स्क्वायर, और एम इंटू एन, एम इंटू एन ये क्या है कैपिटल एम के बराबर है मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एम से। तो फिर यहां से सोल्व करेंगे सी की जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद थ्री पी वी डिवाइड बाय एम, उसके बाद एम बाय वी मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो ये उल्टा लिखा जाएगा तो डी नीचे लेके चला गया थ्री पी बाय डी हो गया, और पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, अगर हम पी की वैल्यू पुट करें तो यहां से, और डेंसिटी की जगह पर जो है मास बाय वॉल्यूम करें तो हमारे पास रहेगा थ्री आर टी बाय एम स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आर टी बाय एम। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो ये याद करना है आपको। उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे एवरेज किसी नंबर का लेते हैं तो ऐसे ही एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री एंड सो ऑन डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सो ऑन। तो यहां से ये जो एक्सप्रेशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज स्पीड को सी बार से। इफ ऑल मॉलिक्यूल्स हैव एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सभी सभी में डिफरेंट स्पीड्स हो, तो जो सी बार है कैन बी रिटन एज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन डिवाइड बाय एन, और यहां से सी बार का एक्सप्रेशन जो आता है एट आर टी बाय पाई एम आता है ठीक है। और लास्ट जो थर्ड है दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सी स्टार, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी स्टार इज इक्वल टू टू आर टी बाय एम अंडर रूट टू आर टी बाय एम, इसको बोल सकते हैं। तो देखो सी स्टार है, सी बार है और सी है, इन तीनों में रिलेशन क्या है, तीनों का रेशो क्या होता है, सी स्टार रेशो सी बार रेशो सी इज इक्वल टू वन रेशो वन पॉइंट वन टू एट रेशो वन पॉइंट टू टू फोर, दिस इज द रेशो बिटवीन सी स्टार सी बार एंड सी। नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन, दिस इज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट पार्ट। वैसे तो लिक्विड स्टेट पार्ट्स में जो सिंपल चीजें हैं, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन जो इस लिक्विड पार्ट से हमें डिस्कस करना है जो न्यू है वह सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। तो देखो सरफेस टेंशन क्या होता है इसको समझने से पहले यहां पर देखें, मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जो पार्टिकल्स यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है, अब इट इज अट्रैक्टेड बाय ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में जो पार्टिकल है सभी से इक्वली जो है वो अट्रैक्टेड है, तो सभी पार्टिकल सेंटर वाले पार्टिकल को चारों साइड से बराबर फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है एक्टिंग ऑन दैट सेंटर पार्टिकल इज जीरो। बट केस अगर हम सरफेस के ऊपर लें, पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस, तो ऊपर की साइड क्या गैस है और गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बहुत कम होते हैं, तो अफवार्ड जो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द पार्टिकल्स ऑफ गैस इट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, तो जिससे क्या होगा इनवार्ड जो पुल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवार्ड है दैट इज ग्रेटर एंड आउटवार्ड क्या है दैट इज वेरी लेस, तो अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सरफेस। सो दिस अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस क्रिएट्स टेंशन, खिंचाव जो है क्रिएट कर देते हैं सरफेस के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है
along 1 centimeter length, 1 centimeter length जो surface के उसके ऊपर, that is called as surface tension. Units क्या surface tension की? Dynes per centimeter, CGS system में, और newtons per meter जो है, ऐसा unit के अंदर है. अब बात करते हैं viscosity की. Viscosity को simply हम बोलें, तो liquid जो होता है, liquid जब flow करता है, तो various layers उसमें होती हैं. तो लेयर्स के बीच की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं. रेजिस्टेंस पोसेस्ड बाय द लेयर्स ऑफ द लिक्विड ड्यूरिंग फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. आपने अगर देखा हो जिस टाइम पर कोई नहर है या नदी है वो खाली होती है, उसके बाद जब उसमें पानी आता है तो पानी इस तरीके से आता है, उसमें लोअर जो लेयर होती है उसके ऊपर अपर लेयर, इस तरीके से वेरियस लेयर प्रेजेंट होती है. तो जो लोअर लेयर होती है, सबसे नीचे लेयर होते हैं, उसकी स्पीड सबसे कम होती है और जैसे जैसे लेयर्स ऊपर होते हैं उनकी स्पीड बढ़ती जाती है. मींस लोअर जो लेयर है उसके ऊपर जो अदर लेयर्स की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से उसकी स्पीड सबसे कम होती है. ठीक है, तो अब हम ये मान लेते हैं. तो देखो ये क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पोसेस्ड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. दूसरा हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which one part of the liquid offers to another part of the liquid is called viscosity. Liquid का एक part जो दूसरे part को जो force of friction offer करता है, that is called as viscosity. It has been found that force of friction F between two layers, दो layer है उनके बीच में force of friction को F मान लें, having area a square centimeter, अगर दो layer उनके बीच में a square centimeter का area हो और a स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया हो, तो उस टाइम पर ये दो लेयर्स हैं इनके बीच में अगर a स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया a स्क्वायर सेंटीमीटर हो और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो dx हो और उनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है लेयर्स की, वो dv सेंटीमीटर पर सेकंड हो, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इनटू dv बाय dx. तो dv by dx into dv by dx है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा ईटा, क्या बोलते हैं इसको, ईटा. तो f is equal to eta a into dv by dx. सो ये ईटा क्या है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. तो इस एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए और dv जो चेंज इन वेलोसिटी है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए और डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स इज 1 सेंटीमीटर, तो हम एक्सप्रेशन में रखेंगे तो f किसके बराबर आएगा, n. तो इसको हम क्या बोले, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर आ जाएगा. अगर n ईटा या ईटा जो है इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द वन पार्ट ऑफ लिक्विड टू अनदर पार्ट व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स इज 1 सेंटीमीटर having area of each part is 1 square centimeter and the speed of each layer is 1 centimeter per second. उस टाइम पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट, सो दिस इज इनफ फॉर दिस यूनिट. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट thermodynamics unit in the next lecture. So this is enough for today and you have to complete this written notes of this unit regularly and side by side. बाद में अगर आप करते हैं तो उससे प्रॉब्लम आपको ही होती है और समझने में भी प्रॉब्लम आती है. अभी इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो डिस्कस करेंगे तो 6 यूनिट तक का आपका जो सिलेबस रहेगा सितंबर एग्जाम के लिए रहेगा, तो इसीलिए उसको जल्दी से हम कवर कर लेंगे और उसके बाद जो इसकी रिवीजन भी हमें करनी है साइड बाय साइड. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.